शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मोहम्मद रसूलुल्लाह की जानिब से शहनशाह बाज़ंतीन हर कुल के नाम सलामती हो उस पर जिसने राह रास्त इख्तियार की। मैं आपको हक की दावत देता हूं, अल्लाह ने मुझे तमाम दुनिया की तरफ रसूल किया है, अपनी नजात के लिए इस्लाम कबूल कर लीजिए। यह अरब के एक नए नबी की बात कर रहा है। योहन्ना की तरह जैसे वो शाहरर के पास बयाबानों से निजात का पैगाम लाया था। बनाम मकुकस वाली ये सिकंदरिया, किसरा शहनशाह फारिस, मैं आपको अल्लाह की तरफ बुलाता हूं। आपकी निजात सिर्फ इस्लाम में है, कबूल कर लें इस्लाम। तुम चरवाहे बियाबानों से निकलकर हमको ये बताने आए हो कि हमें किसके आगे झुकना चाहिए? मोहम्मद खुदा का रसूल, उसे यह मनसब किसने अता किया? मोहम्मद को अल्लाह ने इंसानों के लिए रहमत बनाया है। जियो इंतहाई नेकनीयती और खुलूस दिल से फिल्म द मैसेज अपने नाजरीन की खिदमत में पेश कर रहा है। हमारे पेश नजर हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का ये फरमान भी है जो आपने हज्जतुल विदा के मौके पर इरशाद फरमाया कि लोगों, इस पैगाम हक को जो तुम तक पहुंच चुका है उन तक पहुंचा दो जिन तक नहीं पहुंचा। हम आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के इसी इरशाद मुबारक पर अमल करते हुए आपकी खिदमत में इस फिल्म के वसीले से हुजूर का ये पैगाम अजीम पेश कर रहे हैं। दुनियाए इस्लाम के मुमताज उलमा और मुअर्रिखीन, आलम इस्लाम की कदीम तरीन यूनिवर्सिटी जामिया अल अजहर और लबनान की आला शियत कांग्रेस ने इस फिल्म के मुसव्वदे की तारीखी सच्चाई और दुरुस्तगी की तस्दीक की है। ये फिल्म बनाने वालों ने इस इस्लामी रिवायत पर ईमान रखते हुए कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालेही वसल्लम को नहीं दिखाया जा सकता, आ हजरत के किरदार को शख्सी तौर पर इस फिल्म में नहीं दिखाया। मुलाहिजा कीजिए फिल्म द मैसेज उर्दू जुबान में। हजरत ईसा अलैहि सलाम के 600 बरस बाद जब यूरोप इंतहाई तारीकी में डूबा हुआ था और तमाम कदीम तहजीबें दम तोड़ रही थीं, मक्के में मोहम्मद रसूलुल्लाह की विलादत हुई। मक्का उस वक्त एक बड़ा तिजारती शहर था जिस पर कुछ मकामी ताजरों की इजारादारी थी। मक्के की खुशहाली और दौलतमंदी का बायस उसकी एक इम्तियाजी खसूसियत थी, मक्का बुतों का मस्कन था। सालाना मेले के मौके पर अरब के पुजारी और काहिन यहाँ जमा होते और अपने अपने बुत काबे की तहवील में दे देते। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिसकी बुनियाद तौहीद पर रखी थी, वही काबा शिर्क का गढ़ बन चुका था जहां 360 बुत 360 खुदा थे। मक्का 610 ईस्वी में। Come on.
प्यार। आज का हिसाब कर लियो मैया। अभी नहीं, लेकिन इस बरस खुदा हमारे लिए सोना बन गए। क्या बात है, एक तरफ खुदा दूसरी तरफ मुनाफा और बीच में तुम। कुछ और खुदाओं को काबे में रखवा दूं। ओ, शाम से काफिला, फिर तो प्यासे भी होंगे। पुराने कुओं पर 5 आदमी और लगा दो। इनके लिए कितनी भेड़ें कटवा दूं? 70। 100 होने चाहिए, मक्का मेहमान नवाजी का भरम रखता है। और सरदारों के लिए 10 भेड़े अलग से। पानी और रोटी ही मिलता है हिकम के घर सिर्फ शायर को, जिसकी वजह से शेर गले में घुट के मर जाते हैं। और बखुदा रोटी तो पानी से भी पतली होती है। ओ, हटो, बड़े हटो, जगह दो गीतों के मतवालों। अबू सुफियान को रास्ता दो, वो कुछ सुनना चाहते हैं। माल भी मिलेगा, इल्म और फन के सरपरस्त हैं। जब शायर अबू सुफियान के घर जाते हैं, लुत्फ मिलता है, प्यार पाते हैं, खूब पीते हैं, खूब खाते हैं, नूर और नगमा की बात चलती है, महफिल ऐश गर्म होती है जब शायर अबू सुफियान के घर जाते हैं। चीन का बेहतरीन रेशमी कपड़ा बदन से छू जाए तो रोम रोम झूम उठे, देखो तो आंखों में सुरूर उमड़ आए। ठीक, 7-10 20 दीनार अबू सुफियान की भी। 15 हो पाखो, देखो भाई काबे के बुत भी तो जरूरतमंद है। वो कौन है? वो वहां जिससे मेरी रूह में झांक लिया है, मुझे यहां से फौरन ले चलो। आखिर मोहम्मद यहां आता ही क्यों है? तुम उसे रोकते क्यों नहीं? भतीजा है तुम्हारा, ठीक हो जाएगा। क्या, 40 बरस का हो चुका है वो? ये दीवानगी है। इतनी अमीर बीवी का साथ है, मक्का की हर आसाइश खरीद सकता है वो, लेकिन उसे तो गार में बैठकर लरजना अच्छा लगता है। दीवानगी है ये। दीवानगी ये है कि एक इंसान खतरा मोल ले उजाखा जो सेहत देती है, मना हमारी खुशहाली का जामन है, लाद जो हमारे खानदानों और कबीलों का निगहबान है, और हुबल हमारी तजारत का रखवाला, किस्मत बनाने वाला। खुदाओं का इस तरह खुलम खुला इनकार खतरनाक है। मेरा जवाज है, बगावत है, कुफ्र है। हाँ, मुझे डर है कि मोहम्मद खुद को मुसीबत में न डाल ले। सालाना मेला खत्म होने पर मैं हमेशा उदास हो जाता था, जाने अगले बरस में हो या ना हो। अबू तालिब, मेरा नाम सुन लो जैद। क्या मोहम्मद पहाड़ी से लौटे? वो 3 दिन से पहाड़ी में है। नहीं, हमने उसे नहीं देखा। खतीजा का ख्याल था कि वो वापसी में आपसे मिलते हुए आएंगे। फिर वो ऊपर ही है।
तीन दिन से। उसका यूं पहाड़ पर रहना मुझे फिक्रमंद कर देता, क्योंकि मैं इसके माने नहीं जानता। इंसान बुलंदी से दुनिया को बखूबी समझ सकता है। اے محمد پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو خون کی نازک بوند سے بنایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا، پڑھو۔ वो अभी तक कंबल में लरज रहे हैं लेकिन होश में आ चुके हैं। जैद, मेरे भतीजे के साथ पहाड़ पर क्या हुआ? वो घर में तन्हा थे कि अचानक एक फरिश्ता जाहिर हुआ। उसने कहा, पढ़। मोहम्मद बोले, मैं पढ़ नहीं सकता। फरिश्ते ने फिर कहा, पढ़, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने इंसान को खून की नाजुक बूंद से बनाया, जिसने इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था, पढ़। क्या खबर वो जिब्राइल हो या फिर ऐसे ख्वाब? लेकिन मोहम्मद जब पहाड़ी से लौट रहे थे, उन्होंने जिब्राइल को फिर देखा, जमीन और आसमान के बीच एक आदमी की सूरत में। वो जहां देखते थे हर तरफ उन्हें वही नजर आते थे। तब उसने फिर कहा, मैं जिब्राइल हूं और आप मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। उसने इस बारे में किस किस को बताया? अपनी बीवी और अली और अपने दोस्त अबू बकर को। और तुम्हें? मैं उनका मुंह बोला बेटा हूं। हर किसी से ये बात मत करना और उसे बता दो कि जिस तरह उसके चाचा ने बचपन में उसकी हिफाजत की थी, अब भी करेगा। मैंने सुना है कि मूसा से खुदा ने जलती हुई झाड़ी में से कलाम किया था। अगर तुमने अपने भतीजे को नहीं रोका तो हम रोकेंगे। वो इस शहर में फसाद डाल रहा है, घर से घर जुदा कर रहा है, नस्लों में फूट डाल रहा है, औलादें बागी हो गई हैं। नौजवान उसकी बातें सुनते हैं, उसे पसंद करते हैं। हम अरब हैं, बड़ों को हुक्म मानते हैं, बच्चे हम पर हुक्म नहीं चला सकते। हम कैसे मान लें कि एक आदमी जो कल तक हमारी तरह बाजारों में फिरता था आज खुदा का पैगंबर बन गया है? कहता है गली सड़ी हड्डियां फिर से जी उठेंगी। कहता है जिस इंसान को पहली बार पैदा किया, मरने के बाद दोबारा जिंदा कर सकता है। कहीं खुदा हमसे नाराज होकर किसी दूसरे शहर में मेहरबान ना हो जाए। उसे कहो हम देंगे उसे इख्तियारात, मर्तबा, काबे की चाबियां और दौलत जितनी वो चाहे।
उसे कहो जो चाहेगा देंगे। अपने आप पर तरस खाओ और मुझ पर भी। इन बूढ़ी हड्डियों पर उतना ही बोझ डालो जितना ये बर्दाश्त कर सकें। मैंने तुम्हें गोदों खिलाया है, तकलीफ में कैसे देख सकता हूं तुम्हें। मान जाओ वरना वो तुम्हें बहुत सताएंगे। उसने मुझसे कहा अगर वो मेरे दाएं हाथ पर सूरज रख दें और बाएं हाथ पर चांद, तब भी उस फर्ज से पीछे नहीं हटूंगा जो अल्लाह ने मुझे सौंपा। मेरी मौत के बाद जो जी चाहे करना, मगर जब तक जिंदा हूं मेरा हुक्म मानना होगा। क्यों सता रहे हो अपने बाप को? अगर मैं हर वक्त नशे में चू रहता और हर रात जुआ खेलता तो तुम्हारे नजदीक ये बायसे फख्र होता। जो भी होता मेरा भाई तो लगता। तुम सब मेरी औलाद हो। मैंने तुम्हें बहुत कुछ दिया मगर लगता है थोड़ा। मोहम्मद के पास बहुत है, उनके पास सारी दुनिया के लिए है। निकाल दें इसे घर से। ये वलीद जमे नहीं, तेरा बाप है। उसे तू अजियत दे रहा है। ठहरो जायफा, रुक जाओ। वो कैसे कह सकते हैं सब कुछ नया है जबकि कुछ नया नहीं। हमारे लिए तो नया है। अल्लाह का यह पैगाम पहले भी नाजिल हुआ, नूह पर, मूसा पर, ईसा पर, लेकिन लोगों ने इसे बदल दिया, तर्क कर दिया, भुला दिया। अब रसूलुल्लाह पर यह पैगाम फिर नाजिल हुआ, इसलिए फिर नया है। कौन हो सकता है? जाफर होगा। ये क्या लाया? अल्लाह की वही। जब सूरज लपेट दिया जाए, जब तारे झड़ पड़े, जब पहाड़ चलाए जाएं, जब 10 माह की हामला ऊंटनियां छूटी फिरें और जब वैशी दरिंदे हाकें जाएं, जब समंदर उबल पड़े, जब जाने जिस्मों से जोड़ दी जाए और जब जिंदा दबाई जाने वाली बच्ची से पूछा जाए किस खता पर मारी गई, जब नामाए अमाल खोल दिए जाए और जब आसमान खींच लिया जाए, तब हर जान जान लेगी कि वो क्या लाई है। क्या तुम थे वहां जाफर जब इस वही का नुजूल हुआ? सुबह हो रही है। अम्मार, पहले तुम, फिर तुम जो जाफर। हाँ
अम्मार, तुमने अपनी मां को रात भर परेशानी में जगाए रखा है। मैं शर्मिंदा हूं अबू। कहां थे तुम? क्या फिर मोहम्मद के पास? अब क्या होगा? मेरे बेटे को बख्श दे, ये मेरी गलती थी। उसने जिंदगी भर हमारी मदद की है। लेकिन ये तो गिरकर टूट गया, अपनी मदद भी ना कर सका। तुम किसकी बातें सुनते रहते हो? सच्चा खुदा अनदेखा है, गारे का बना हुआ नहीं। मार, हम काबे में रखे खुदाओं को रोज देखते हैं, मैं डरती हूं। तुम जिन्हें सुनते हो वो तुम्हें नुकसान ना पहुंचाए। मैं मोहम्मद को सुनता हूं मां। मोहम्मद एक शफीक इंसान है, हां, देने वाला, हाथ बटाने वाला, हर वक्त मुस्कुराने वाला, लेकिन उसके ख्यालात बहुत खतरनाक हैं। खतरनाक ख्यालात? कोई भूखा ना रहे, अमीर गरीब के साथ ज्यादती ना करे, ताकतवर कमजोर का हक ना मारे, ये खतरनाक ख्यालात हैं। लड़कियों को शादी के लिए मजबूर ना किया जाए, उनकी रजामंदी जरूरी है। आज रात ही उन्होंने फरमाया, बच्चियों को जिंदा दफन करना बंद कर दो। मैं खुशकिस्मत हूं कि आज तुम्हारी मां के साथ हूं। हाँ, तुम जानते ही हो कि हम कभी ना मिल पाते यासिर, और तुम पैदा ही ना हुए होते, मैं भी जिंदा दफन हो जाती अपनी दो बहनों की तरह। लेकिन मेरा बाप ऐसा ना कर सका, वो ऐसा ना कर सका तीसरी मर्तबा, जब दूसरी बेटी को भी, जब मेरा बाप मट्टी डाल रहा था उस पर, तो मेरी मुन्नी सी बहन ने उसकी उंगली पकड़ ली। उसने मेरी मां को बाद में बताया, जब तक वो मर ना गई, मेरा बाप उसके मुन्ने हाथ से अपनी उंगली छुड़ा ना सका, वो हिम्मत ही ना कर सका। जब मैं पैदा हुई तो मेरा बाप घर से बाहर निकल गया, वो चिल्लाया कि वो ऐसा नहीं कर सकेगा, वो कभी ऐसा नहीं कर सकेगा। सुमैया, यही दस्तूर है। ये जुल्म है, जो खुदा उसकी इजाजत है वो खुदा नहीं है। मैंने मोहम्मद से उनके घर जाने का वादा किया था, हम वहां इबादत करते हैं। हाँ, वो एक अच्छा इंसान है। हाँ ठीक है, तुम जाओ। पढ़ो, मोहम्मद तो लिख सकता है ना पढ़ सकता है, लेकिन बोल सकते हैं। क्या 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 कहा तुमने? वो बोल सकता है? अरे भाई, बोल तो तुम भी सकते हो, अब बोलो नौजवान, क्या कहता है मोहम्मद? वो मोहम्मद के नहीं, खुदा के लफ्ज हैं। कौन सा खुदा? कौन से लफ्ज? एक बोलने वाला खुदा? तुम्हारा मोहम्मद खुद कलाम ही करता है। जब अल्लाह मोहम्मद पर वही नाजिल करता है तो मोहम्मद याद करके उनको लिखवाते हैं जो लिख सकते हैं, यही कुरान है। मोहम्मद के फाके उस पर गनूद की तारी रखते हैं, कम्बलों ने तारीख ख्वाबों में भटकता रहे। वो तारीकी नहीं, उजाला है। तू इसको सजा दे इसकी बकवास। छोड़ो इसे, रहने दो। क्या मोहम्मद नहीं समझता कि हमारी जिंदगी का दारोमदार उन खुदाओं पर है जो काबे में रहते हैं? हर साल तमाम कबीले इबादत के लिए यहां आते हैं और हमसे सामान खरीद कर ले जाते हैं। भला हम कैसे ला सकते हैं 300 खुदाओं की जगह सिर्फ एक खुदा?
जो नजर ना आए और हर जगह मौजूद हो, ताइफ में, यसरब में, मेरे घर में, यरूशलम में और चांद पर भी। मक्का तो बेहैसियत हो जाएगा, हमारे खुदा हमारी इबादत भी हैं और दौलत भी। खुदा कारोबार का जरिया नहीं है। नौजवान, तुम अपनी शामत को आवाज दे रहे हो। अमार, समझदारी से काम लो। मैं एक सवाल करना चाहता हूं। मोहम्मद तुम्हें सिखाता है आका और गुलाम बराबर हैं। क्या ये हबशी बलाल मेरा सर खरीद मर्तबे में मेरे बराबर है? हाँ, मोहम्मद फरमाते हैं अल्लाह की नजर में तमाम आदमी इस तरह बराबर हैं जैसे कंघी के दंदाने। गुलामों और भिकमंगों के लिए बड़ा पुरखशिश ख्याल है, उनके भी नखरे हो जाएंगे। बिलाल, समझा दो इस शख्स को मक्के के सरदार गुलाम में फर्क। कोड़ा लो और इसके चेहरे पर इतने मारो कि अपना सबक भूल जाए। मारो इसे, काट दो इसे। मारो इसे। मारो बिलाल। हुक मानो, ये मार डालेंगे तुम्हें। कैसी लाकानूनियत ही ये, गुलामों तक को वर्गला दिया है। अगर तुम एक इंसान होने के नाते खुदाओं को मानते हो तो याद रखो वो तुम्हारे नहीं तुम्हारे आका के खुदा हैं। मैंने तुझे बिलाल तेरी इंसानियत के साथ खरीदा था, अभी सीधा करता हूं तुझे। एक खुदा, एक सिर्फ एक खुदा। कौन ज्यादा ताकतवर है, तेरा आका या तेरा सिर्फ एक खुदा? एक खुदा, सिर्फ एक खुदा। भारी पत्थर लाओ। एक खुदा, एक खुदा। कुचल दो इसे। पीस दो इसे। निपटा नहीं खुदा, एक सिर्फ खुदा। देखो गुलाम तबलीग कर रहा है। उमैया अबू बकर इस गुलाम के 100 दिनार देने को तैयार हैं। ये हमारे दस्तूर के खिलाफ है कि हम सजा के बाद गुलामों का सौदा करें। मैंने उमैया से पूछा है। 200। अगर गुलामों की कीमतें इसी तरह बढ़ने लगी तो एक दिन साथी काम खुद करना पड़ेंगे हमें। ले जाओ इसे, रखो या मार डालो, अब ये मेरे काम का नहीं। हम इस्लाम का ऐलान कर रहे हैं। अल्लाह ने अपने पैगंबर से कह दिया सबको इस्लाम का पैगाम पहुंचा दो। खिड़कियां दरवाजे खोल दो, सारी दुनिया को सुना दो। अंधेरे छट गए, अब रोशनी ही रोशनी है। अल्लाह का पैगाम, रसूल अल्लाह का पैगाम सुनो। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। वो रोशनी का मीनार है, वो निशान मंजिल है, वो नूर इल्म है,
जान जान लो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। लोगों काबा को चलो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हम जुल्मत से नूर की तरफ आ गए हैं। हमारे साथ मिलकर चलो काबा की तरफ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मोहम्मद और उसकी बगावत इस्लाम की शक्ल में जाहिर हो गई है। वो हमारे खुदाओं और दीन को मिटाने के लिए आ रहे हैं। उन्हें काबा तक मत पहुंचने दो, धकेल दो उन्हें पीछे, डट जाओ अपने खुदाओं के लिए। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अपने रसूल है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। मोहम्मद की हिफाजत करो। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। ऊपर तक से हो चलो। मौका है, मिटा दो इन्हें। सिर्फ 30 हैं। नहीं, बहुत हो गया। ज्यादा किया तो ये और हमदर्दियों से मिट लेंगे। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कह दो ए मुनकिरो, मैं उसे नहीं पूछता जिसे तुम पूछते हो, और ना तुम उसे पूछते हो जिसे मैं पूछता हूँ। तेरा झूठा रसूल अल्लाह की हिफाजत करो। बचाओ बचाओ इनको 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 इनसे बचाओ। कौन में ले लो इनको, बचाओ। तैयार हो जाओ। बहुत बहादुर हो, ये अरब का सबसे ज्यादा बहादुर है जब इसके सामने निहत्ते हो। मोहम्मद झूठा है। झूठा है? तुम इसे बोलने कब देते हो? क्या सच है और क्या झूठ, जबकि अब तो कुछ कहा ही नहीं गया। मोहम्मद एक फरेबी है। चलो हिम्मत है तो आ जाओ मुझ पे। लो आज से मैं अपने भतीजे के दीन पे हूं। जो वो कहता है वो मैं मानता हूं। जिस किसी में लड़ने की हिम्मत है मुझसे लड़े।
मोहम्मद, सहरा रात और तन्हाई, मुझसे यही तो कहते हैं, खुदा एक घर का कैदी नहीं। कौन सोच सकता था कि हमजा ऐशो निशात का दिल दादा, शेर का शिकार करने वाला दरिंदा मोहम्मद से आ मिलेगा? जितना हम जुल्म करेंगे उतने ही उनकी हिमायती बढ़ेंगे। कहां से ढूंढ कर लाता है वो ऐसे लफ्ज? मैं नहीं जानता। ये कैसे मुमकिन है कि एक उम्मी पहाड़ पर जाए और 3 दिन के बाद लौटे भड़कती हुई शायरी के साथ? मान लेते अगर शायरी होती। वो तो कहता है कि कलाम खुदा है, भला हम उस शख्स से कैसे लड़ सकते हैं जिसकी ताकत को हम समझ नहीं सके। मोहम्मद के जन्नत के बाद आसमानों में दरख्त, तभी तो लोग उसकी सुनते हैं। तो फिर हम उसके सुनने वालों के साथ वो सुलूक करेंगे कि उसे सुनना छोड़ देंगे, पहले कमजोरों से निमड़ेंगे। कौन है तेरा खुदा? बोल बुढ़िया, कह दे हबल तेरा खुदा है, कह दे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह। Oh, my God.
अमार, तुम्हारा बाप और माँ इस्लाम के पहले शहीद हैं, उनके लिए जन्नत का वादा है। लोगों में बर्दाश्त का और कितना हौसला है। हुजूर ने फरमाया मक्का छोड़ दे, अगर न गए तो वो सबको मार देंगे एक एक करके। हुजूर कहते हैं कि हबशा का बादशाह एक ईसाई है और उसके मुल्क में सब बराबर हैं। तो फिर फौरन निकलो आज ही। घुड़सवार, हमें उनके निशानात भी मिले, उनका पीछा भी किया मगर वो गायब हो गए। वहीं तो थे तपता सहरा मंडलाते गिद्ध, पर तूने उन्हें जाने दिया? जाने दिया? वो गायब हो गए। मोहम्मद यही है, सिर्फ कमजोर भागे हैं। कमजोर होंगे ताकतवर बदनाम तो करेंगे। हम ईमानदार ताजिर इतबार पर कारोबार करते हैं, बदनामी मोल नहीं ले सकते। हबशा, अमरो, तुम शाह हबशा नजाशी के दोस्त हो? हाँ। क्या ये दोस्ती काम आ सकती है?
मेरा ख्याल है मैं उन्हें ले आऊंगा। हबशा सीधे हो जाओ उमरू। तुम जानते हो कि ऐसी कोई चीज नहीं जो तुम्हें मैं ना दूं। ऐ यहूदिया के शेर, समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं। जहां से हमारी दोस्ती शुरू होती है। हमारे कुछ बागी गुलाम फरार होकर आपकी सल्तनत में आ गए। गुलाम वापस जाएंगे। अगर हमारे गुलाम होते तो तुम भी उन्हें लौटा देते। गुलामों के अलावा कुछ और लोग भी हैं बागी। बागी, अगर अरब में को गड़बड़ा है तो मुझे तला क्यों नहीं। वो मजहब के बागी हैं। अगर देखा जाए तो तमाम मजाहब इब्तदा में बगावत ही होते हैं। दुनिया भर के गुलामों का जिस्म तो हमारे इख्तियार में हो सकता है, लेकिन यसु मसीह जो हमारे गिडरिया हैं, वो जिस्मों की नहीं रूहों की गल्लाबानी करते हैं। मगर ये वो अरब हैं जिन्होंने अपने अभाई दिन को छुटा कर एक दीवाने की अतात कबूल कर ली, जिसे वो नबी कहते हैं। मैं रूहों को जंजीरें नहीं पहना सकता जब तक सुन न लूं। जब मक्का में हम पर जुल्म हुआ तो रसूल अल्लाह ने कहा हबशा चले जाओ, एक सच्चे बादशाह का मुल्क है जहां किसी के साथ ज्यादती नहीं होती। जिसे ये जुल्म कहते हैं वो इंसाफ पर मबनी सजा थी। इनकी बगावत सारे पैगंबर ने मेरे पास क्यों भेजा? क्योंकि आप भी हमारी तरह अहले किताब हैं। उनको यकीन था कि खुदा आपके दिल में हमारी हिफाजत का ख्याल डाल देगा। इनसे बात करना शराब को पानी समझने के बराबर। लेकिन अब मुझे इनकी बात जरूर सुननी पड़ेगी मेरे दोस्त। बोलो। बरसों तक हम अपने हाथों के तराशे हुए लकड़ी और पत्थर के खुदा पूजते रहे। हम अल्लाह से गाफिल थे। हमारे पास अपने बनाए हुए कवानीन थे, अल्लाह के नहीं। अमीर गरीब से लापरवाह था। वो फितरी जज्बा जो अपने गिरे हुए भाई को हाथ बढ़ाकर उठा ले, अपने माशरती निजाम में ये उसी इंतशार का बायस समझते हैं। इंसानियत की इस तजलील के खिलाफ एक इंसान है जो अल्लाह ने चुना और जिस पर हमारा ईमान है। तुम जज्बाती हो गए हो, अपने आप को संभालो। मैं वो कहता हूं जो रसूल अल्लाह कहते।
मोहम्मद हमें सिखाते हैं कि एक खुदा की इबादत करो, सच बोलो, अपने पड़ोस का उतना ही ख्याल रखो जितना कि अपना, खैरात दो चाहे वो एक मुस्कुराहट ही क्यों ना हो, औरत की बेहुरमती मत करो, यतीमों के वाली बनो, लकड़ी और पत्थर के उन खुदाओं से मुंह मोड़ लो। ये काफिराना बातें सुनकर मैं चुप खड़ा नहीं रह सकता। हम एक कदीम तहजीब है, हमारे खुदाओं को लकड़ी और पत्थर कहना सरासर जहालत है। हम बुद्ध या शबी को नहीं पूछते बल्कि उस रूह को पूछते हैं जो उनमें रहती है। मैं मानता हूं कि बुद्ध परस्ती को कभी ठीक से समझा ही नहीं गया। शुक्रिया। अब मैं इसे औरत के मौजू पे वापस लाता हूं। अल्लाह ने औरत मर्द को एक दूसरे का साथी बनाया है, वो मुख्तलिफ हैं मगर बराबर हैं। बराबर? हम उसे खरीदते हैं, खिलाते, पहनाते, इस्तेमाल करते, झटकार देते हैं। औरतें और हमारे बराबर? अल्लाह ने कुल इंसानियत को एक औरत और एक मर्द से खल्क किया। अमरो, तुम्हें औरत की उस कोख का एहतराम करना चाहिए जिसने तुम्हें जन्म दिया। तुम्हारे 300 खुदाओं की जबानें गुंग हैं और इनका एक खुदा बोलता है। अल्लाह इससे पहले भी हमसे कलाम कर चुका, इब्राहिम, नूह, मूसा और यसू मसीह के जरिए। अगर अब अल्लाह ने हमसे मोहम्मद के जरिए कलाम किया है तो इसमें इतनी हैरत क्यों? तुम्हें यह नाम किसने सिखाए? ये नाम कुरान में। मैं तब से मोहम्मद को जानता हूं जब वो एक यतीम गडरिया था। और हम यसू मसीह को तरखान के तौर पर जानते हैं, जो यसू मसीह कहते हैं और जो तुम्हारे मोहम्मद कहते हैं वो एक चिराग से फैलती हुई दो शुआएं हैं। ये झूठ बोल रहे हैं, ये ईसा को नहीं मानते। ये कहते हैं तुम्हारे 3 खुदा हैं, बाप, बेटा और रूल कुद्स। क्या कहते हो तुम मसीह के बारे में? कहते हैं खुदा का कोई बेटा नहीं हो सकता, मसीह खुदा का बेटा नहीं है। मसीह के बारे में कुछ कहो। हम वही कहते हैं जो हमारे नबी ने हमें बताया है। अल्लाह ने अपनी मुकद्दस रूह कुंवारी मरियम की रहम में फूंकी, इस तरह मसीह की विलादत हुई जो अल्लाह के रसूल हैं। ये कहता है रसूल, बेटा नहीं, बेटा नहीं। तुम्हारा मुजजा कुरान हमारे आका के बारे में क्या कहता है? क्या मैं कुरान सुनाऊं? और करीब आओ। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। और किताब में मरियम को याद करो, जब वो अपने घर वालों से मशरक की तरफ एक अलग जगह गई तो हमने उसकी तरफ जिब्रील को भेजा तो बोला, मैं तेरे रब का भेजा हुआ हूं और तुझे एक पाक बेटे की बशारत देता हूं। बोली, मेरा बेटा कहां से होगा, मुझे तो किसी बशर ने छुआ तक नहीं। जिब्राइल बोले, तेरे रब ने फरमाया ये होगा, और इसलिए कि हम इसे लोगों के वास्ते निशानी कर और अपनी तरफ से एक रहमत, और ये काम ठहर चुका। तुम्हारे और हमारे दरमियान फर्क इस लकीर से बड़ा नहीं सोने के पहाड़ के बदले भी तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा इन्हें। तुम जब तक चाहो अमन के साथ रह सकते हो यहां, खुदा तुझे अपनी रहमत के साए में वापस ले गया। मोहम्मद ने हमारे सिफारती ताल्लुकात भी खराब कर दिए।
ठीक है, हम उसे दरबदर कर देंगे। अबू तालिब ने उसे पनाह दे रखी है, ठीक है, हम चचा और भतीजे दोनों को निकाल देंगे। निकाल दो। एक साथ सारे खानदान को बाहर निकाल देंगे, हम इन्हें खुद से अलग कर देंगे। उन ताजिर उनसे कारोबार न करे, उनकी जमीनें छीन ली जाए, उनकी सरकार छत न रहे, कोई उन्हें रोटी न दे, कोई औरत उनकी शादी न करे, जब तक वो एक खुदा को छोड़ न दे। निकाल दो इन्हें। ये हयात रसूलुल्लाह के बदतरीन साल थे। वो पूरे 3 साल भूख प्यास और खुले सहरा की बेरहमी का सामना करते रहे। दुख और भी बढ़ गया जब 24 साल पुरखलूस रिफाकत के बाद आपकी प्यारी बीवी खदीजा चल बसी और उनके बाद जनाब अबू तालिब का साया भी सर से उठ गया। अबू तालिब ने मरते वक्त मक्का वालों और रसूलुल्लाह के दरमियान फिर मसालियत की कोशिश की। उसने तुमसे बस यही तो मांगा, एक लफ्ज, एक खुदा। अगर ये एक लफ्ज की बात होती तो हम उसे 10 बार मान चुके होते, मगर वो तो हमसे हमारे खुदा मांग रहा है। तुम डरते हो, उसकी बात सुनने से भी। चचा की मौत के बाद मक्का में जनाब रसूलुल्लाह को कोई मददगार ना रहा। तब वो अपने मुंह बोले बेटे के साथ एक रोज तबलीग इस्लाम के लिए ताइफ गए, जहां शरारती बच्चों को उनके पीछे लगा दिया गया। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? रुक जाओ, मत मारो, रुक जाओ, दूर हट जाओ, मत मारो। जनाब रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ये उनकी जिंदगी का तल्ख तरीन दिन था, जब बज़ाहिर रसूलुल्लाह अपने मकसद में नाकाम हो चुके थे। सूरत हाल मोजाना तौर पर तब्दील हो गई। एक अमीर लेकिन अपनी तबाही पर तुला हुआ शहर यसरत, यहां से एक वफ्द ने रात की तारीकी में आपसे अकबा की पहाड़ियों में मुलाकात की और यसरत आने की दावत दी, ताकि आप खाना जंगियों और आपस के इख्तलाफात खत्म करने में उनकी मदद करें। जनाब रसूलुल्लाह ने फरमाया, अगर वो एक खुदा की इबादत करे तो
अल्लाह एक है और तुम मोहम्मद अल्लाह के रसूल हो। ये हम में से हैं और हम इन में से इन्हें अपने साथियों को, हमारे भाइयों को हमारी तरफ मदीना आने दो। सत्तर लोग छोटी छोटी टुकड़ियों में बटे, जिन्होंने तपते सहरा का 250 मील लंबा सफर पैदल तय किया। ये वो सफर है जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया। कितने दूर रस थे ये नताएज, कितने गहरे नकूश हैं इस सफर के। इस सफर से मुसलमानों का सने हिजरी शुरू होता है। ये वो लम्हे थे जिनमें मुसलमानों को अपने मुस्तकबिल के निशान मिले। हां हजरत, मक्का ही में रहे, जानलेवा खतरों में घिरे हुए, मगर वो वहीं रहे जब तक मुसलमान बहिफाजत यसरिब न पहुंच गए। मोहम्मद तो एक कौम बन गया, एक शहर का मालिक बन गया, अहद भी ले रहा है, मुआहदे भी कर रहा है, और तुम सलूल जिसे मदीने की बादशाहत का दावा है सोते रह गए और वो रातों रात तुमसे शहर ले गया। अपनी फिक्र करो अबू सुफियान, शाम तक इधर तो क्या महक के एक लपक ले जाने के लिए भी मदीने में तुम्हें उस शख्स के सामने रेंगते हुए गुजरना पड़ेगा। तिजारती शहरक पर बैठ गया है वो तुम्हारी। तुम्हारा क्या इरादा है? मैं इंतजार करूंगा। और कब तक इंतजार करोगे? जब तक तुम सारा अरब अपना तर्ज जिंदगी बचाने के लिए उसे रास्ते से हटाने देते। तब तक तुम क्या करोगे? जाहिर है उसकी आवाज पर लब्बैक, लेकिन अगर वो ये समझता है कि मैं उसका बन जाऊंगा तो हर किस नहीं। मदीने के लिए ईमान लाना बुरा सौदा नहीं। मुनाफकत? मुनाफकत नहीं, अकलबंदी। जमीन पे माथा रगड़ेगा दिन में 5 बार? यकीन नहीं आता। तुम फिक्र ना करो, जो पहले नहीं किया आप करेंगे। मोहम्मद
अली, उसका भाई वहां लेटा था उस पर कुर्बान होने के लिए। यह हम किन लोगों से लड़ रहे हैं? वो दूर नहीं गया होगा क्योंकि हर रास्ते पर सहरा है, सहरा की तरफ निकला होगा। मक्का उस शख्स को 100 ऊंट देगा जो मोहम्मद को लाएगा या उसके सर को। वो 3 है, मोहम्मद, अबू बकर और उरिखत उन्हें ले जाने वाला बद्दू। क्या है ये? ये चरने वाले ऊंट नहीं, खजूरें खाते हैं। ये शहर के ऊंट हैं। नहीं, यहां क्या कर रहे हो? मदीना तो शुमाल में है। निशान ऊंटों ने बनाए हैं, मैंने नहीं। बद्दू और मगरिब की तरफ? मैं अपने फन में माहिर हूं। सुना है कि तुम हवा सूंघकर परिंदे का रास्ता बता देते हो। इनके साथ ही चलो। वो वहां उस गार में हो सकते हैं। मोहम्मद, अगर तुम बाहर निकल आओ हम तुम्हें जिंदा मक्का ले जाएंगे। मोहम्मद, बाहर आ जाओ। वो यहां नहीं हो सकता, जला कहीं से टूटा हुआ नहीं है। कबूतरों ने तो घोंसला भी बना रखा है। हमने पीछा करने में गलती की, हमें शुमाल की तरफ जाना चाहिए था। तो फिर चलें, अभी वक्त है कि हम उन्हें पकड़ सकें। रसूलुल्लाह और उनके कत्ल के बीच सिर्फ मकड़ी जाले के चंद तार ही थे, लेकिन आप वो रजल अजीम थे जिन्हें कत्ल नहीं किया जा सकता था। उरीकत उन्हें और उनके साथी हजरत अबू बकर को बेकरां और बेआबो गह सहरा से निकाल ले गया। मदीने वाले इस्तकबाल के लिए उनकी राह तक रहे थे, लेकिन लरजते दिलों के साथ। अल्लाह करे वो सलामती से पहुंच जाए। कुछ देखा? नहीं, कुछ नहीं। उसने कहा था वो महज इंसान है, कोई इंसान इस गर्मी में नहीं बच सकता। Thank you.
छुप जा, भाग जा, कहीं दिखावे के लिए तुझे आजाद न करना पड़े। شہر مدینہ، یہ شہر آپ کے قدموں کی برکت کو خوش آمدید کہتا ہے یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، آپ میرے گھر رہے، مدینہ کا سب سے شاندار گھر، آپ رہیں گے تو میری عزت بڑھے گی۔ میرے ساتھ رہے، میرے گھر میں۔ سنو، رسول اللہ ایک ہی وقت میں کس کس کے مہمان بن سکتے ہیں؟ جہاں اللہ ان کی اونٹنی کو ٹھہرا دے گا وہیں رسول اللہ اپنا گھر بنائیں گے۔ منظور ہے، ہم قصبہ کو کھلا چھوڑ دیں گے، جہاں وہ بیٹھے گی وہیں رسول اللہ کا قیام ہوگا۔ منظور ہے، منظور ہے، منظور ہے، منظور ہے، منظور ہے۔ بڑا چالاک ہے، بھلا اونٹنی کے انتخاب پر کون ناراض ہوگا؟ یہاں ہم سب رسول اللہ کا گھر بنائیں گے، اور ایک مسجد جہاں ہم سب اکٹھے ہوا کریں گے۔ اسلام کی پہلی مسجد بنے گی یہاں۔ یہ رسول اللہ کیا کر رہے ہیں؟ اینٹیں اٹھا رہے ہیں؟ لائیں، دیکھیں آپ بہت کر رہے ہیں، جائیں آرام کریں، ہم کر لیں گے۔
लो वो और लेने चले गए। काम एक इबादत है या उनका फरमान? उनकी उम्र 53 साल है। आपकी क्या उम्र है? घंटी लोगों को बुलाने के लिए। घंटी तो ईसाई इस्तेमाल करते हैं। नकूस कैसा रहेगा, यहूदियों की तरह? तबल, तबल से खून की बू आती है। इंसानी आवाज क्यों नहीं? उमर बिन खताब इसकी पेशगोई कर चुके हैं। अगर रसूल इजाजत दे, इशारा तुम्हारी तरफ है बिलाल। मैं? हाँ, तुम्हारी आवाज अच्छी है। जाओ ऊपर जाओ। أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله मेरे भाइयों, आज के दिन मदीने का हर आदमी मक्का के हर आदमी को सीने से लगाएगा। सब बराबर के हिस्सेदार हैं। आगे बढ़ो, बराबर वाले को गले लगा लो, सब भाई भाई। मैं गुलामों को चूमने वाली सियासत से तंग आ गया हूं। इसे पढ़ो। पैगंबर को सिर्फ आखिरत से ताल्लुक रखना चाहिए।
मेरा बेटा कैसा है? नमाज पढ़ रहा है घोड़े की तरह। हाथ जला दिया क्या? इसे फाड़ डालो वरना घर ही जला देगा। बादशाह की तरह कानून बना रहा है। उसने ऐलान कर दिया है कि इस्लाम से वफादारी खानदान और कबीले की वफादारी से बढ़कर है। क्या तमाम मुसलमान एक ही खानदान के फर्द हैं? इससे धोखा न खाओ, क्योंकि इससे पहले उसे कबायली फितरत को तब्दील करना पड़ेगा। खतरा यहां है बराबरी। पड़ोसी भी हर लिहाज से बराबर है। ये दीवानगी है। यहूदियों और ईसाइयों के हकूक मुसलमानों के बराबर। जो यहूदी इस मिसाक से वाबस्ता होंगे उनकी हिफाजत की जाएगी। विरासत में औरतों के हकूक भी। हकूक? अब तो वो ऊंटों को भी हकूक देगा। वो दे चुका है, तुम उन पर ज्यादा बोझ नहीं डाल सकते। वो मदीने की तामीर नौ कर रहा है, मेरे मदीने की। बुरा हो उसका, उसने हमारे बेटे हत्या लिए, हमारा मुस्तकबिल छीना। वो हक पर है और हम गलत। अब बस, इस बार किसी यारी गारी की नहीं चलेगी। हम हर चीज पर कब्जा कर लेंगे जो वो मक्का में छोड़ गए। उनके कालीन, माल, उनकी चांदी और ये सब दमिश्क ले जाकर बेच डालेंगे। भाइयों, एक खबर है मेरे पास, मेरे पास मक्का की एक खबर है। जो कुछ तुम वहां छोड़ आए थे सब क्या चोर कहीं के, अबू बकर की दुकान और रसूल अल्लाह का घर बिक गए। एक एक प्याला, एक एक कपड़ा, हर चीथड़ा, हर हड्डी जिसके तुम कभी मालिक थे कंगाल हो गए सब। क्या तुम उनके लिए लड़ोगे नहीं? ये लड़ाई की बात किसने की? तो और क्या रास्ता है हमजा? जब रसूल कहेंगे लड़ो, हम लड़ेंगे। अभी वो कहते हैं अम। बेशक तुम बहुत अमन पसंद लोग हो, तुम तो सराफा बर्दाश्त हो। जाओ अपने कामों पे। हमें मुज़ाहमत करनी चाहिए। आप अल्लाह के रसूल हैं, वो हम भेजते हैं, गालियां देते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं और हम कुछ नहीं करते। जंग के मसले में हम लाचार हैं, वो हवस के गुलाम हैं। हमारी नजर सिर्फ अल्लाह और आप पे। मैं जानता हूं कितनी नफरत है आपको तलवार से, लेकिन हमें लड़ना होगा। उन्होंने सब कुछ हमसे लूट लिया और उसे दमिश्क ले जा रहे हैं हमारी आंखों के सामने। अल्लाह के वास्ते सब कुछ वापस छीन ले। मुझे माफ कर दें, मेरा दिमाग फटा जा रहा है। चिल्ला चम करे।
लेकिन देखो सूरज कहां है? ये नमाज का वक्त नहीं है। अभी अभी रसूलुल्लाह पर वही नाजल हुई है, लड़ो और अल्लाह की राह में लड़ो उनसे जो तुमसे लड़ते हैं, और उन्हें निकाल दो जहां से उन्होंने तुम्हें निकाला था, और उनका फितना तो कत्ल से भी सख्त है। उनसे लड़ो यहां तक कि कोई फितना ना रहे, एक अल्लाह की इबादत हो, फिर अगर वो बाज आए तो ज्यादती नहीं, और अल्लाह हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। तो लड़ो अल्लाह की राह में लड़ो उनसे जो तुमसे लड़ते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह का हुक्म है कि तुम इन बातों पर अमल करोगे। तुम किसी औरत, बच्चे और बूढ़े पर हाथ नहीं उठाओगे, किसी माजूर को निशाना नहीं बनाओगे, खेतों में काम करते किसी दहकान पर उंगली नहीं उठाओगे, तुम दरख्तों को नहीं काटोगे, सिर्फ उन पर वार करोगे जिन्होंने तुम्हें शहर बदर किया, जिन्होंने तुम्हारे हुकूक पामाल किए, माल लूटा और खुद को माला माल किया। चलो बदर के कुएं पुकारते हैं। सुनो मदीना से खबर, जाओ हथियार संभालो, उठा लो हथियार, जाओ अपने माल की हिफाजत करो। मोहम्मद कारवा पर हमले के लिए मदीने से निकल आया है। कितने आदमी हैं? 300, दो घोड़े। हमारे नीचे 100 घोड़े होंगे, ऊंट कितने हैं? 70। हम 170 ऊंट ले आएंगे। और मेरे 20 सोटों पर शराब होगी, हम जश्न मनाएंगे। ये जंग मैं जरूर लड़ूंगा, हारने का सवाल ही नहीं। सुफियान से कहो कारवान का रुख बदर की तरफ मोड़ दे, हम कल अपनी फौजों समेत बदर के कुओं पर मिलेंगे। Thank you.
بدر کے کنویں ہیں یہاں، محمد کا لشکر یہاں، میرا کارواں یہاں۔ ایک دن کا سفر، ان سے کنویں پہ جا ملوں۔ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا، مکے کا سب مال دو پر لگ جائے گا۔ الاؤ بجھا لو اور کچھ کرو۔ ہم مغرب کا رخ کریں گے، کنوؤں سے پرے۔ پرے؟ یہ ناممکن ہے۔ تمہیں بدر میں ہمارے ساتھ ہونا ہے، ہم انہیں کچے انڈوں کی طرح پی سکتے ہیں۔ اگر میں رات بھر چلتا رہوں تو صبح تک محمد کی پہنچ سے دور نکل جاؤں گا۔ تمہارا وقار کہاں گیا ابو سفیان؟ وقار؟ میرا وقار میرے اونٹوں کی پشت پر ہے۔ ہاں میں جا رہا ہوں۔ محمد نے کنویں پر قبضہ کر لیا ہے۔ محمد تو خود ہی ہمارے نشانے پر آ گیا ہے، دیوانہ ہے۔ ابو سفیان کوچ کر گیا ہے مغرب کی طرف، بدر سے دور۔ کارواں محفوظ ہے، اب لڑنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ضرورت نہیں؟ اگر ہم لڑے تو بھائی بھائی سے خون کا بدلہ لے گا۔ یہ کہو کہ باپ بیٹے کا خون بہا رہا ہوگا۔ تمہارا بیٹا حذیفہ ان کے ساتھ ہے نا، تمہیں چاہیے تو اسے کوڑے مارتے۔ مکہ تمہارے خاندان سے بڑھ کر ہے۔ ولی تمہارا دوسرا بیٹا، یہ بھی تو تمہارا اپنا خون ہے۔ ہاں ہم لڑیں گے، آج کی حفاظت ہم کریں گے، کل خود کو بچا لے گا۔ اتبا بزدل نہیں ہے۔ کل ان کا صفایا ہو جائے گا، ہم لڑیں گے۔
शहर हो लिए। अपनी कतारों में वापस जाओ, पीछे हटो, पीछे पीछे। ये कुएं तो मोहम्मद ने बंद कर दिए, अब हमें बदर के बड़े कुओं के लिए भी लड़ना होगा जहां वो काबिज है। ये बात है तो हम लड़ेंगे। अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे खड़े हैं, हम इंतजार करेंगे। बहादुरों को भेजो। कौन हो तुम? अपने बड़ों को भेजो जो हमारे मर्तबे के हो। पलटाओ। मेरा भाई शाइबा, मेरा बेटा वलीद और मैं खुद। रुक जाओ उबैदा, मैं और अली।
अब जोड़ बराबर का है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तीरंदाज आगे जाएं, तीरंदाज भागो, चलो फिर इकट्ठे हो गए। आगे बढ़ो, मुस्तैद निजामाज उमैया।
رسول اللہ ناراض ہیں، تم قیدیوں کو باندھ کے گھسیٹ نہیں سکتے۔ ہم بھی تو جکڑے گئے تھے۔ رسیاں کاٹ دو، میں نے کہا رسیاں کاٹ دو، اور انہیں پانی پلاؤ اور کھانا کھلاؤ اپنے برابر کا، اور جو پیدل ہو ان کے ساتھ پیدل چلو۔ وہ قیدی جو پڑھا سکے 10 مسلمانوں کو وہ آزاد ہوگا۔ छोड़ते मेरा? क्योंकि सब मुझे इल्जाम देते हैं, भली या बुरी जो भी वजह सही। मुझे भी उनके साथ बद्र की कुओं में गर्क हो जाना चाहिए था, लेकिन मैंने कारवां को बचाया है, मुस्तकबिल को बचाया। ये मुझे क्यों सुना रहे हैं? मेरे बाप का नाम, मेरे भाई का नाम, क्या वो समझते हैं कि उन्हें जरूरत है मुझे याद दिलाने की? मोहम्मद अली, मोहम्मद अली, हमजा, अपने पंजों से हमजा किन किन के बदले लूंगी? तूने मेरे बाप को सिबक कर दिया हमजा। शेर का शिकारी कि मेरा शिकार बनेगा? तू शिकारी है ना हमजा? घेर लूंगी तुझे, मेरे शिकार। जब तू मरेगा हमजा, सीना चीर के दिल निकाल लूंगी तेरा, तेरा खून पीऊंगी, तेरी बोटी बोटी कर दूंगी। बस करो ये मातम, और नहीं चलेगा। अब जो कुछ करना पड़ा करेंगे। हम अपने दोस्तों को बुलाएंगे, उनके खिलाफ नई फौज बनाएंगे, और इस मर्तबा पूरी तैयारी और मंसूबे के साथ आएंगे। क्या टाउन फैल गया? यह हम कैसे अजीब और गरीब शहर में आ गए? तुम बड़े इत्मीनान से सब कुछ ले जा सकते हो, किसी को अपनी दुकान की फिक्र नहीं। निगरानी के लिए अल्लाह जो है। कहां से आए हो? यमन। मक्का में पड़ाव किया? रास्ते में आया था। तुमने सवाल का जवाब नहीं दिया। मक्का में पड़ाव किया? जब तक ऊंट ताजा दम न हो गए
ऊंटों को सबसे ज्यादा चैन कहां मिलता है सिवाय मक्का के? सहरा की कोई ताजा खबर? ओ, तुम्हारे लिए बुरी है। वो इकट्ठे हो रहे हैं। हर जवान तलवार लिए मक्का पहुंच रहा है। हमारी ताकत ये है। उनको आसान मत समझना। वो अपनी तमाम कुव्वतें गुलाम का नाम वैशी है, माहिर है, जहरीला है, देखो इसे। आजाद कर दूंगी, चांदी में तोल दूंगी, रेशम में लपेट दूंगी, ऐसे ही एक वार के बदले। तो बदले की आग ने खींच लाई, ये भी जान लेंगे कितने हैं। बड़ी फौज है, 3,000 तो होंगे, सैकड़ों घोड़े हैं। बदर की चोट खाए हुए। पुरानी बात हो गई, हिसाब बराबर करने आए हैं बदर का। जाओ अपनी तलवारें संभालो।
वो है हमजा, पहचान लो। वो रहा तुम्हारा नसीब। वदा वाले खड़े गुस्सा वाले अजीब से खड़े। खालिद का दस्ता है। खालिद, इस नौजवान में कोई बात है। हमजा। हाँ रसूल अल्लाह पूछ रहे हैं, क्या आपने तीरंदाजों को देखा? हाँ देख लिया, ये कोई अच्छी अलामत नहीं। उन्होंने 50 तीरंदाज लगा दिए उनकी निगरानी पर, नतीजा जो भी हो उन्हें हर सूरत रोके रखना है। जैद, रसूलुल्लाह से कौन तैयार है? क्या वाकई हम तैयार हैं? हम तादाद में कम हैं, लेकिन मार्का बराबर का है। वो हमारी ताक में हैं, हम उनके। मैं अपने हरीफ से कभी खौफजदा नहीं हुआ। उबल जिंदाबाद। मोहम्मद का इशारा मिलते ही हम हमला करेंगे। हमजा तैयार हो जाओ। मुस्तैद आओ। हमला तीरंदाज चलो। शहीद हो गए। निगार करो।
वो पसना आगे मालिक की नींद लूट लो। तुम्हें जगह छोड़ने की इजाजत नहीं। कहाँ जा रहे हो? वापिस आ जाओ, वापिस आ जाओ मोर्चे पर। कहाँ भागे जा रहे हो? इंतजार फैल गया, हमारा कल्प मुंतशिर हो चुका, हम जंग हार गए खालिद। अभी नहीं। कहाँ है? वो शहीद हो गए, मैंने गिरते देखा है। नहीं नहीं, वो जिंदा है, लड़ रहे हैं। मैं तो हार चुका था, यह फतह तुम्हारी है खालिद। हमारी फतह अधूरी है जब तक मोहम्मद जिंदा है, वो ऊपर इन चट्टानों में है। हमारा काम पूरा हो गया, हम बद्र का इंतकाम ले चुके। हम अभी उसे और इस्लाम को मिटा सकते हैं। उसके कुछ दीवाने अब भी उसके साथ हैं, हम खतरे में पड़ सकते हैं, उन्हें बुलंदी पर होने का फायदा है। मोहम्मद सुन लो, दिन के बदले दिन, यौमे ओद इंतकाम है, इंतकाम बद्र। तुम्हारे मुर्दे हमारे मुर्दों का जवाब है। हमारे शहीद जन्नत में हैं, तुम्हारे मुर्दे जहन्नम की आग में। हमजा, हमजा,
सुन रहे हो हमजा? देख रहे हो ये मैं हूं, मैं हिंद। कुछ याद आया हमजा? कैसे कत्ल किया था मेरे भाव और मेरे भाई को? तुम भी कत्ल हुए, दिल में ठंडक पड़ गई। सुना तुमने हमजा? ठंडक। मौत को मेरे इंतकाम मत समझो, कुछ भी नहीं है मौत। वाशी चाक कर दे इसे, काट दे। ये जंग हारे हैं और क्या कर रहे हैं, अपने कामों में और ज्यादा मसरूफ हो गए, पागल हैं। ठीक कहते हो, ये है ही बेतुके। ये तो हार के भी बहुत खुश हैं। कहते हैं ये शिकस्त खुदा की तरफ से इनके ईमान का इम्तिहान था। ओ हाँ, ये जन्नत के लिए लड़ रहे हैं, यकीनन पा ही लेंगे। जन्नत नहीं, मक्का। जागते में ख्वाब देख रहे हैं। इनका गलत अंदाजा मत लगाओ, मैंने बहुत मुश्किल से इनको समझा है। मेरे दोस्त, मक्का इनके लिए घर से बढ़कर है। वहां खुदा इंसान से हम कलाम हुआ। मक्का के लिए इनकी रूहें तड़पती हैं। इस बरस इन्होंने हचकी ठानी है। क्या? निहत्ते निहत्ते। अबू सुफियान तो उन्हें जबा कर देगा सहरा में। अगर तुम भी इनकी तरह एक खुदा पर ईमान रखो तो इस तरह सहरा में जिबा होने से बच जाओगे। लेकिन ये हो भी सकता है, मैं तुमसे मुत्तफिक हूं। भड़कना मत, खुद को काबू में रखो, वो तो यही चाहते हैं। जमे रहो।
तुम पर सलामती हो। रसूल अल्लाह का फरमान है, वो जिन्हें अल्लाह से मोहब्बत है तजदीद अहद करें दरख्त के नीचे। उन्होंने किसी और को भेज दिया। सुहेल है, इसका मतलब है मुआहदा हो जाएगा। मोहम्मद, सुलहनामे की शरायत तो तुम्हें पहुंच गई है। अगर तुम आना चाहते हो मक्का तो फिर इतना तरद्दुद कैसा? ये क्या है? शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहमान। मोहम्मद खुदा का रसूल, अगर मैं तुम्हें एक रसूल मानता तो तुमसे लड़ता ही क्यों? इसे लिखो, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मुत्तफिक है सोहेल बिन उमर से। मैं तो यही जानता हूं और सच भी यही है। खूब, ये बेहतर है। तो ये तय हुआ कि इस साल तुम हज नहीं करोगे, यहीं से पलट जाओगे अपने अपने घर। घर तो मक्का है। बहरहाल तुम अगले साल हज के लिए आ सकते हो, लेकिन सिर्फ 3 दिन, सिर्फ। आओ और जाओ। हमें कबूल है कि अगले 10 बरस अमन के होंगे। इस दौरान तुम किसी कबीले पर हमला नहीं करोगे और ना ही लूटोगे कोई कारवान, और उससे भी जो कोई हमारा दोस्त हो। हम भी यही करेंगे। अगर तुमने हम में से किसी को जरब लगाई तो मुआहदा खत्म, हम भी पाबंद रहेंगे। समझ में आ गया?
10 साल, अमन के 10 बरस, इतना वक्त दरकार है बराए इस्तेहकाम इस्लाम। ये खतूत रसूल अल्लाह की तरफ से दुनिया के हुक्मरानों के नाम इस्लाम का पैगाम शहंशाह बाज़ंतीन किसरा शहंशाह फारस मकूकस वाली सिकंदरिया अल्लाह हाफिज़ नासिर। नस्ली असबियत को खत्म करता है इस्लाम। अरबी को अजमी पर कोई फौकियत नहीं, ना ही एक गोरे को काले पर। अल्लाह की नजर में सब बराबर हैं। जब तक तुम अपने पड़ोसी के लिए भी वही पसंद नहीं करते जो अपने लिए, तब तक तुम्हारा ईमान कामिल नहीं। अगर कोई पेट भर के खाए और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए, वो नहीं है मुस्लिम। आलिम के कलम की रोशनाई शहीद के खून से ज्यादा मुकद्दस है। एक खानदा शख्स अल्लाह को बहुत प्यारा है, तो पढ़ना सीखिए और जब सीख जाइए तो औरों को पढ़ाइए। यहूदी उनकी तौरात, ईसाई उनकी इंजील, इनका एहतराम भी तुम पर वाजिब है क्योंकि ये किताबें भी अल्लाह ही की हैं। मोहम्मद तुम सब में अफजल हैं मगर इंसान हैं। एक दिन वो जंगल में लकड़ियां चुन रहे थे, मैं बोला लाइए मैं चुन दूं। फरमाया तुम क्यों? मैंने कहा आप अल्लाह के रसूल हैं, ये काम आपके करने के नहीं या रसूल अल्लाह। तब उन्होंने मुझे देखा, धीरे से कहा अल्लाह उस शख्स को पसंद नहीं करता जो खुद को दूसरों से अफजल समझता हो। मैं आराम से बैठा उन्हें देखता रहा, अचानक वो रुके और खड़े हो गए और मेरी तरफ आए। फरमाया हां मैं अल्लाह का रसूल हूं, लेकिन मैं खुद नहीं जानता कि मेरे साथ क्या बीतेगी। अम्र कहीं फिर ले जाने तो नहीं आए? नहीं, इस बार अपने आप को तुम्हारे हवाले करने आया। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह एक है और मोहम्मद उसके रसूल हैं। आपके खिलाफ लड़ने पर अल्लाह मुझे माफ फरमाए। इस्लाम साबिका गलतियां मिटा देता है। हाँ।
माफ कीजिए, इन समेत चला आया। ये मेरे जवाहरात हैं, जो भी कीमत हो इनकी गरीबों के लिए हाजिर हैं। और ये मैं आपके कदमों रुको, तुम तो खुद इस्लाम के खिलाफ जहर में पुशी तलवार थे। मगर अब इंशाल्लाह मैं अल्लाह की लपकती तलवार हूं। अल्लाह के लिए सब आसान है, जैसे वो जिंदगी और मौत पर कादिर है उसी तरह फतह शिकस्त पर भी। दो बरस पहले जब सुलह का मुआहदा करना पड़ा तो लगता था जैसे शिकस्त हो गई, मगर देखो हुआ क्या, हम लोगों के दिलों को फतह पर फतह करते चले जा रहे हैं। ये क्या था? देखो देखो, अबू सुफियान, अबू सुफियान आया है। मेरे साथ ऐसा सलूक? मैं हूं अबू सुफियान, कुछ तो लिहाज करो। हम में लड़ाई नहीं सुलह है। मैं मोहम्मद से बात करने आया हूं। कहां है वो? वो मस्जिद में है। मोहम्मद, मुआहिदा हमने नहीं तोड़ा। मैं यकीन दिलाने आया हूं कि मुआहिदा नहीं टूटा। मक्का यही चाहता है। मोहम्मद मेरी बात तो सुनो। रुको तो मोहम्मद, सुनो तो, लुटेरों ने मुआहिदा तोड़ा है, हमने नहीं। रात तारीख थी, मैं गवाही देता हूं कि रात तारीख थी। बर्रा बर्रा, मैं तुम्हारा मेहमान हूं। हुज़ैफ़ा, तुम तो मेरे अपने हो, मेरे दोस्त हो, इनसे कहो मेरी बात तो सुने। मैं हूं मक्का, मैं हूं सरदार मक्का। मेरी हदक इस तरह क्यों की जा रही है? तुम वादे का पास करते हो ना मौईदे का एहतराम। मैं वो सुन रहा हूं जो सोच भी नहीं सकता था। अबू सुफियान रहम की भीख मांग रहा है। गुफ्तार से, तलवार से, किरदार से गडरिये ने हमें बिछाड़ दिया। तुमने देखा, उस गडरिये का दीन एक कंकर से चट्टान बन गया। वही कंकर तो मेरी आंख में था, मैं कुछ ना देख सका। कह दो मक्का से खुदा मर चुके, अब अल्लाह का इनकार बेकार है। अब तेजी से निकल जा, तू यहां के हर आदमी को अपने पीछे पाएगा, क्योंकि तू मायदा तोड़ चुका है।
शाम ढलने से पहले हम 10,000 होंगे, हर कबीला शामिल होगा। दिफा कर सकते हैं, तुम हो ना। हम रास्ते बंद कर देंगे और शहर का दिफा अंदर से करेंगे। कोई फायदा नहीं, वो हजारों में हैं, हर लम्हा उनकी तादाद बढ़ रही है। बुज़दिल, हिंद घर जाओ। इतना बुज़दिल है सरदारे मक्का, क्या ये तुम हो? तुम कुछ भी नहीं, वो तुम्हें चबा के थूक चुके हैं। क्या मेरे बाप और भाई ने इसलिए कुर्बानी दी कि मेरा शौहर भाग जाए? तुम घर जाओ, तुम बेकार है। मक्का छिन गया है। नहीं, आज रात यहां पड़ाव करना है। उन पहाड़ियों के बावजूद दिखाई दे रहा है मुझे मक्का। इतने सारे आलाओ तुम गिन नहीं सकती। कितना हसीन मंजर है। जब हमने उन्हें निकाला था, मुझे मालूम ही नहीं हुआ कि ये लोग मक्का अपने साथ ले गए। हवा में ताजा पकती रोटियों की महक है। हाँ, इसका मतलब है वो लूट मार नहीं करेंगे। कम से कम मेरा उनके बारे में यही ख्याल है। वो अपने घरों की दरोदीवार पर अपनों का खून बहाना पसंद नहीं करेंगे, इस पर मैं शर्त लगा सकता हूं। मुझे उसके पास ले चलो। तो मक्का हवाले करने आए हो? मुझे रोटी में शरीक नहीं किया? मुझे अंदाजा है, शायद तुम मुझे कत्ल कर दो। कहो क्या कहने आए हो? मैंने तुम्हारे अलाव देखे, उनके गिरद आदमी। मैं जानता हूं तुमने अपने आदमियों में कैसी आग जगा दी। तुम जीत गए मोहम्मद, अब अगर तुम ये मान लो। अब भी इतनी जरूरत की शरायत पेश करो? क्या तुम अब भी नहीं पहचाने मोहम्मद कौन है? मोहम्मद, मेरे दिल में अब भी शक है। अगर तुम्हारा सर काट दिया जाए तो शक दूर हो जाएगा। खालिद, दीन में किसी तरह का जबर नहीं। हिदायत पाने में किसी को बरसों लगते हैं, किसी को एक पल। वक्त का तयुन सिर्फ अल्लाह करता है। उनके शक का एहतराम करो। तुम हबशी गुलाम, तुम बेहतरीन मुअल्लिम हो। मैं तो कुछ भी नहीं, सब अल्लाह की अता है। जिन खुदाओं की मैं परस्तिश करता रहा,
किसी काम के होते तो जरूर मेरी मदद करते। तो मैं ऐलान करता हूं, अल्लाह एक है और तुम अल्लाह के रसूल हो। अब मुझे इजाजत हो। वो तीन अंतराज से आ रहे हैं, वो तीन अंतराज से आ रहे हैं। भागो भागो यहां से निकल जाओ। वो लोग आ गए हैं, चारों तरफ से घेर लिया, निकल जाओ, जगह को खाली कर दो, जाओ। जाओ अंदर चले जाओ, छुप जाओ छुप जाओ, अंदर जाओ, भागो। तोड़ा जाए, कुछ ना लूटा जाए, कुछ ना चुराया जाए, कोई ज्यादती ना हो, जो घरों में है महफूज है। At least he kept his word. We haven't forced the door.
He storms hearts, not walls. It's a permanent victory. I dread going out. We must. We must appear end. Were we so wrong? The way we lived, yes. That was wrong. We were trapped in our own faults. Our gods were less than us. Now there he is, making his entrance to the Kaaba. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جب اللہ نے ابراہیم کو اس گھر کا ٹھکانہ ٹھیک بتا دیا اور حکم دیا کہ میرا کوئی شریک نہ کر اور میرا گھر صاف ستھرا رکھ. باطل مٹ گیا, باطل کو مٹنا ہی تھا. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. سو یہ ہوا
کہ رسول اللہ نے نہ بدلہ لیا نہ لینے دیا. انہوں نے مکہ کی حرمت قائم کی. مکہ میں کسی جاندار کی جان نہیں لی جائے گی, نہ کسی کا سر کاٹا جائے گا, نہ کوئی درخت. جلد ہی سارے عرب نے اسلام قبول کر لیا اور پورے کے پورے اسلام کے رنگ میں رنگے گئے. یہ سب کچھ آ حضرت نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, لیکن اب انہیں احساس ہو چکا تھا کہ وقت نزدیک ہے. آپ کی نبوت کا ایک عظیم پہلو آپ کی ختم نبوت ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے آخری خطبہ ارشاد فرمایا. اے لوگو, شاید آئندہ سال اور اس کے بعد پھر کبھی تم سے یہاں ملاقات نہ ہو سکے. جو تمہیں غریب ہے انہیں وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو, وہی پہناؤ جو تم پہنتے ہو, کہ سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کا حساب لے گا. جو موجود ہیں انہیں بتا دیں, جو موجود نہیں, تم سب ایک آدم کی اولاد ہو اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جسے اللہ کا خوف ہے. میں جو کچھ کہوں اسے غور سے سنو. ایام جاہلیت کے مقتولین کا قصاص اور دیت دونوں ختم کی جاتی ہیں. یاد رکھو, ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. مسلمانوں میں رنگ, نسل اور قبیلے کا کوئی امتیاز نہیں. کوئی مسلمان کسی دوسرے کے مال پر ناجائز تصرف نہیں کرے گا, ورنہ یہ ایک دوسرے پر ظلم ہو جائے گا. لوگوں, غور سے سنو, جو چیز میں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں وہ چیز نہایت واضح اور روشن ہے, اور وہ ہے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت. اگر اسے مضبوطی سے پکڑے رہو تو کبھی ٹھوکر نہ کھاؤ گے. پھر آپ نے تکمیل دین کے حوالے سے اس آیت کی تلاوت فرمائی. آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا. 8 جون 632 میں 63 برس کی عمر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے. بہت سے عشاقان رسول یقین ہی نہ کرتے تھے کہ آپ فوت بھی ہو سکتے ہیں, لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق نے منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا تو صحابہ شدت غم سے غش کھا کر گر گئے. آپ نے فرمایا, اگر کوئی محمد کی پرستش کرتا تھا تو جان لے کہ وہ ہم میں نہیں رہے, اور جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ بے شک زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں. آپ کا لایا ہوا دین انسانوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے گھر کر گیا اور پھیلتا چلا گیا. آج بھی ساری دنیا سے مسلمان مکہ آتے ہیں حج کے ایک ہی جیسے سفید لباس میں, خدا کی نظر میں ایک سے ایک امت بن کر, اور سب مل کر ایک ہی خدا کی عبادت کرتے ہیں.